किसी ने खूब कहा है कि मार्केट में रहोगे तो पैसा बनेगा, मार्केट से बाहर रहोगे तो पैसा या तो घटेगा या फिर आप देखते रहोगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो वीडियो आज की किसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड नहीं है। वी विल नॉट टॉक अबाउट अ शेयर, वी विल टॉक अबाउट पर्टिकुलर मेथड्स, प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों की कि जो बड़े बड़े लोग हैं, चार्ली मंगर एज वेल एज बात की जाए आपके वॉरेन बफेट के, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने हमें बताया, उनकी कुछ मेथडोलॉजी है, उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है इन्वेस्टर्स के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर्स, वी आर नॉट ट्रेडर्स, वी आर इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर से रिलेटेड बातें बताऊंगा कि आप इस मेथड को फॉलो करोगे ना, पैसा अपने आप खिंचता चला आएगा और आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हम सभी के अपने चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं। ओके, और नीचे एक वीडियो अभी डाली है उसे भी देख लीजिए, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक आपका श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे उनकी वेबसाइट पे जाके एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। और पैसा जब पुण्य काम में देते हैं तो पैसा बढ़ता है, फिर डर निकलता है। एज वेल एज बात की जाए, आप अगर आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो एक एंजल बुकिंग का लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना। तो कल एक शेयर था IRCTC, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। ओके, और बताया था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर है, मार्केट गिर रहा है तो शेयर गिर रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं इस शेयर को, तो आज की डेट में लगभग 5%, आपके लिए 5% होगा बट मेरे लिए लगभग 10%, क्योंकि अगर इसके बॉटम से अगर हम देखते हैं ना तो लगभग 10% की इसने जंप लगाई है और काफ़ी अच्छी जंप हमें लगती हुई नज़र आई है। और हमें देख कह सकते हैं कि अगर हम अच्छे खासे शेयर को, डेट फ्री शेयर को मार्केट में लेके बैठते हैं ना, तो पैसा अपने आप खिंचता चला आता है, गिरता है, जरूर गिरेगा, जब सारे शेयर गिरे हैं तो हमारा शेयर कौन सा बचेगा। तो इसी से रिलेटेड मैंने कल वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि गिर सकता है और गिर सकता है, और मैंने आपको बताया था कि 1610 तक ये शेयर आ सकता है, फिर उसके बाद बट भागेगा। ओके, तो और तेज भागेगा क्योंकि कुछ न्यूज़ थी, कोरोना बढ़ रहा था, मार्केट गिर रहा था, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी यूएस की एज वेल, तो इसी के रीज़न से हमारी जो मार्केट थी कंटिन्यूसली गिर रही थी, डो जोन्स भाग रहा था, हमारी मार्केट गिर रही थी। बट कोई इशू नहीं है, मैंने फिर भी कहा था मेरा लॉस, अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरा जितना भी प्रॉफिट था ना सारा वैनिश हो गया था, बट आज अगेन आई कम इन टू द बेनिफिट, जो प्रॉफिट है दोबारा प्रॉफिट में आ गया हूँ, तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है। अगर देखो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कोर्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ पर हम देखते हैं कुछ, तो यहाँ पर देखिए क्या था, फियर ऑफ मिसिंग आउट था और कुछ नहीं था, फियर था, फोमो था, मार्केट में लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे, मार्केट नीचे जा रहा था, मार्केट नीचे जा रहा था, हम सब के सब लॉस में जा रहे थे। और इन्वेस्टर्स क्या क्या होता है, देखिए हमारा जो प्रॉफिट कभी 10,000 रुपये का था तो वो नीचे होते होते कितने तक आ गया था, 4,000, 5,000 रुपये तक आ गया था, और फिर 2,000 रुपये आ गया था, फिर 1,000 रुपये, तो प्रॉफिट घटता जा रहा था, तो हम ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ से पैसा कोई छीन के ले जा रहा है। बट दोबारा मार्केट रिकवर हुई तो दोबारा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। ओके, और जो आगे की चल की दिशा में और बढ़ता रहेगा। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो देखिए दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर है ये। ओके, इनका नाम है वॉरेन बफेट साहब, आपने भी सुना होगा, मेरे से कई बार, मेरे से ज़्यादा बार सुना होगा इनके बारे में। बट इनकी जो बातें हैं ना, इन्हें फॉलो करना होता है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इनकी बातों को फॉलो करें, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है ना, 80 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 8 साल की जब इनकी उम्र थी ना तब से वो इसी काम को कर रहे हैं, इस बिजनेस में है, इस ट्रेडिंग में है, इस इन्वेस्टिंग के बिजनेस में है, तो ये हमसे ज़्यादा मार्केट देखी हुई है इन्होंने। तो बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर जब इनके पास 14 साल थे ना, केवल 5K इनके पास डॉलर थे, ओके 5,000 डॉलर थे, उसके बाद अगर बात करें तो 32 साल की उम्र में जाके उनके पास 1 मिलियन डॉलर थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 साल की उम्र थी ना, 30 साल की उम्र थी तब इनके पास, इन्होंने 1 मिलियन डॉलर कमाए थे। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आज की डेट में 1,000 मतलब 100 बिलियन डॉलर के क्लब में ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये पुराना डेटा है, 2018 तक का डेटा है, मेरे पास ये अभी निकल के आया है। ओके, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ 100 बिलियन डॉलर के क्लब में आने वाले छठे इंसान हैं, और इन्होंने हमें क्या बताया है। और जो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होती है। सबसे मुश्किल बात पता है क्या है, सबसे मुश्किल बात है
1 लाख रुपए कमाना मार्केट में, ओके, सबसे मुश्किल बात है 10 लाख रुपए कमाना, सबसे मुश्किल बात है 1 करोड़ रुपए कमाना। बट अगर आपने 1 लाख कमा लिया, आपने 10 लाख कमा लिया और आपने 1 करोड़ रुपए मार्केट से कमा लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो कर लेना, आपके आप 10 करोड़ रुपये बहुत आसानी से कमा लोगे। उसके बाद आप 100 करोड़ बहुत आसानी से कमा लोगे, उसके बाद आप 1000 करोड़ रुपये आसानी से कमा लोगे। जो मुश्किल पैराग्राफ होता है ना, जो जो स्टार्टिंग की जो जर्नी होती है वो मुश्किल होती है, उसके बाद की जर्नी बड़ी आसान होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जर्नी थी ना, ये मुश्किल थी 14 साल से लेके यहाँ पर 67 मिलियन तक आने, 1 मिलियन तक की बात कर लेते, सीधे 1 मिलियन तक आने में ना इन्हें 16 साल लगे थे। बट यहाँ पर अगर 32 से यहाँ पर 16 साल और कैलकुलेट करते हैं ना, तो लगभग ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, 1 मिलियन से 376 मिलियन, अगर यहाँ पर और देख लेते हैं ना, फिर 16 साल और जोड़ देते हैं, तो लगभग लगभग कितना आता है, 68। तो 68 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 178 बिलियन के लगभग, ओके, और फिर 16 साल जोड़ देते हैं ना, तो 100 बिलियन डॉलर यहाँ पर कमते हैं। तो इसी चीज़ को बताना चाहता हूँ। तो इनके कुछ कोट्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जब मार्केट गिरती है ना, तो डरना नहीं होता। तो इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि समवन इज सिटिंग इन द शेयर टूडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो, ओके। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी ने यहाँ पर पेड़ डाला है ना, यहाँ पर इन्होंने 14 साल की उम्र से यहाँ पर बीज डाला है किसी पेड़ के लिए, तो वो अगर सोच रहे हो कि इन्होंने आज ही कमा लिए, तो ये बचपन से करते आए हैं और ये बूढ़े हो गए हैं। 90 ईयर्स की इनकी लगभग 83-85 ईयर्स की इनकी एज है, उससे भी ज़्यादा कि इनकी एज है। तो उन्होंने पैसा तब कमाया है, देखिए इस एज में कमाया है, इस एज में यहाँ पर कमाया है, 50s के बाद कमाया है ज़्यादा, ना कि इन्होंने यहाँ पर कमाया है। तो आधी उम्र इनकी केवल जो स्टार्टिंग की जर्नी होती है ना, उसे कलेक्ट करने में लग गई। तो इसलिए हर चीज़ को आसानी से मत लो। अगर आप मार्केट में आए हो तो समझो मत कि मार्केट बहुत इजी है, ओके, और आज ही हम कमाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एक बीज आज बोओगे तो 10 से 15 साल 20 साल बाद आप अच्छे खासे पैसा कमाओगे। और एक और यह है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखो, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द वन बास्केट। एक बास्केट में रखोगे तो टूट जाएंगे, बट अगर अलग अलग बास्केट में रखोगे ना, तो उनके टूटने की जो वो क्षमता होगी ना, वो बड़ी कम हो जाएगी। मतलब कब एक आध टूट गया टूट गया, बट आपके काफ़ी सारे शेयर बचेंगे। तो ऐसी मार्केट में क्या काम आता है कि अपना जो पोर्टफोलियो है ना, उसे डाइवर्सिफाइड करके रखो, IRCTC भी लेके रखो जो रेल के बिजनेस में है, एज वेल एज बात करूँ फाइनेंस के बिजनेस को में जो बेस्ट शेयर है वो लेके रखो, एज वेल एज बात करें तो IT के शेयर को लेके रखो, FMCG को लेके रखो। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो और जितना पैसा है उसे 10-10% के रेशियो में, 5-5% के रेशियो में डिवाइड करो। लार्ज कैप में ज़्यादा लगाओ, मिड कैप में उससे कम लगाओ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में लगाओ, और फिर उसके बाद देखो रिजल्ट क्या आएगा। और डेट फ्री कंपनी जितनी हो सके ना, ऐसी जो कंपनीज को चूज़ करो, पैसा बनेगा, बहुत बनेगा, आसानी से बनेगा, बट आपको वेट करना होगा। तो यही सारी सीख थी जो जो वॉरेन बफेट साहब ने बताई है, उसी को हमें बस फॉलो करना है। इधर उधर कहीं नहीं देखना, किसी को नहीं सुनना, किसी की भी बातों को मत सुनो, मेरी खुद की बातों को मत सुनो, बस किसको सुनो, अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देखो, सुनो उनके इंटरव्यूज़ देखो, ओके, और वो कैसे काम करते हैं वो देखो, अपनी खुद की स्टडी करो, फिर देखो पैसा कैसे बनता है। तो वही सब था, कल मार्केट गिरी थी, लोग डरे हुए थे, लोग बेचते जा रहे थे, आज के दिन में आप देख सकते हैं 10% की इसमें जब दूसरे शेयरों में देखोगे उसमें जंप, हर एक शेयरों में जंप होती हुई नज़र आई है, और आपका पोर्टफोलियो दोबारा रेड से ग्रीन में होता हुआ नज़र आया होगा। तो यही सारी की सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगली बार कभी भी डर लगे ना, तो सिंपल वॉरेन बफेट आपको यहाँ पर खोलना, उनके बारे में पढ़ना, ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या देखा है, लॉस इन्होंने भी किया है, ओके, इनके पोर्टफोलियो भी रेड में आए होंगे कभी। बट जो इन्वेस्टर्स है, स्टार्टिंग के जो कुछ साल होते हैं लॉस रेड में दिखते हैं, बट उसके बाद अच्छे खासे प्रॉफिट में वो बैठे रहते हैं और हमेशा बैठे रहेंगे, और कंपाउंडिंग होते होते उनके पैसे अपने आप बढ़ते जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनिशियर बाजार को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसी तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहेंगे और एक साथ ग्रो करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।